नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लड़की की तमंचे के साथ डाली फोटो तो पहुंचे जेल। उन्नाव में आर्म्स एक्ट में हुई लड़के लड़की की गिरफ्तारी। 3 महीने पहले युवती छूटी थी जेल से। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के एक युवक युवती को अवैध तमंचे के साथ फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालना उस समय महंगा पड़ गया जब उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर एक्टिव पुलिस सोशल मीडिया टीम के हाथ लग गई। पुलिस ने फोटो डालने वाले युवक युवती को उसके घर पर दबिश देकर उसे तमंचा समेत दबोच लिया। साथ ही आर्म्स एक्ट में दोनों को जेल भेजने की कार्यवाही की है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो डालकर दबंगई दिखाने का प्रयास कर रहे सोहरामऊ थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी विमल गुप्ता और आंचल सिंह का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फोटो में दोनों एक अवैध तमंचा लिए दिखाई दे रहे हैं। फोटो पहले व्हाट्सएप पर वायरल हुई तो उन्नाव पुलिस की साइबर सेल टीम एक्टिव हो गई। पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 अदद 12 बोर का देशी तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर का बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह से सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। युवती आंचल सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि एक फ्रॉड के केस में अभी 3 महीने पहले ही आंचल सिंह छूट कर आई है। दरअसल बीते साल भर पहले कहीं से आंचल के अकाउंट में 80 लाख रुपए आ गए थे, जिसे वापस करने की बजाय आंचल ने उसे खर्च कर लिया था। पीड़ित ने इसकी शिकायत बंथरा थाने में की थी। समझौते का प्रयास हुआ लेकिन यह लोग खर्च हुआ रुपया वापस नहीं कर पाए, जिसके बाद पति पत्नी को जेल भेज दिया गया। अभी 3 महीने पहले ही आंचल जेल से छूट कर आई है। उन्नाव में पुलिस विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के मामले में कार्यवाही की जा चुकी है। लगातार ऐसी हरकत करने से बचने के लिए पुलिस जागरूक करती है, इसके बावजूद युवा मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लेबस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।